हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बड़े मजे में हैं और सीखने को तैयार हैं। आज का नया टॉपिक उम्मीद है आपने सीख लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज को वो लेसन कर लिया है आपने, टेंसेस का टाइप्स देख लिया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपने कर लिया, कॉमन मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशंस भी आपने देख लिए हैं। तो अब बारी है वर्ब की। वर्ब बहुत ज़रूरी है सीखना। क्यों ज़रूरी है? अरे भैया एक बात एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, आपने बहुत सारे पकवान पकवाए हैं, बहुत सारे खाने के आइटम्स बनवाए हैं, बिरयानी है, शाही पनीर है, मुगलई कबाब है, उसके बाद वेज बिरयानी है, और क्या कहते हैं रायता है, बहुत सारी चीज़ें आपने बनवाई हैं, लेकिन जो आपका बावर्ची है नमक ही डालना भूल गया, तो बताओ क्या होगा? बिना नमक का, बिना सॉल्ट का क्या आपका खाना टेस्टी होगा? क्या आपके गेस्ट हैप्पी होंगे, खुश होंगे? वो जो बाराती आने वाले हैं क्या वो आपको अप्रिशिएट करेंगे या ताने मार के जाएंगे या कमेंट्स करके जाएंगे या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे? सोचने वाली बात है, जाहिर सी बात है कमेंट ही करेंगे, कह रहे यार इसको तो खाना ही बनवाना नहीं है, खाना खिलाना ही नहीं चाहता था अगला बंदा, इसीलिए किसी में नमक ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो इम्पोर्टेंस एक खाने में, एक खाने के आइटम में नमक का होता है, वही इम्पोर्टेंस होता है वर्ब का इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग में। बिना वर्ब का सेंटेंस हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कभी हिडन हो सकता है, कभी आपका वर्ब हिडन हो, लेकिन होगा ज़रूर। बिना वर्ब का इंग्लिश का सेंटेंस होता ही नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 कैटेगरीज हैं, 8 टाइप्स में बांटा गया है इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को। अब तो 9 पार्ट्स भी, 9वां कैटेगरी भी लाया है लोगों ने, लेकिन मोटा मोटी 8 पार्ट्स हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, वो आपका वर्ब है। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता, जिस तरीके से बिना नमक का कोई खाना नहीं बन सकता, ठीक है? बिना नमक का कोई खाना नहीं बन सकता। बना दोगे तो खाने वाला दो बातें सुना के ही जाएगा, बुरा भला कह के ही जाएगा, या नहीं भी कहेगा तो मुंह बिचका के जाएगा, ना खा के जाएगा या कम खा के जाएगा। अगर इज्जत भी रखने की बात होगी तो थोड़ा बहुत खा के जाएगा, लेकिन दिल से नहीं खाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नमक एक खाने में ज़रूरी है, वर्ब भी इंग्लिश के हर सेंटेंस में ज़रूरी है। अब जिस तरीके से अलग अलग खाने में अलग अलग मात्रा में, क्वांटिटी में नमक डलता है, उसी तरीके से हर सेंटेंस में, हर टेंस में अलग अलग टाइप का वर्ब भी लगता है। लेकिन लगता जरूर है, किसी में छोटा लगता है, किसी में बड़ा लगता है, किसी में बहुत बड़ा लगता है, किसी में डबल भी लगता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी कहा बिरयानी, अगर 10 लोगों की बिरयानी बनाएंगे तो कितना नमक डालेंगे? मेरे ख्याल से 2-4 चम्मच। अगर वहीं मैं बोल दूँ कि 50 लोगों का बिरयानी बनना है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा पैकेट लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नमक की क्वांटिटी अलग अलग हो जाती है, आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक उसी तरीके से वर्ब का भी क्वांटिटी और उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है आपके सेंटेंस और सिचुएशन के हिसाब से। अब चलिए ध्यान देते हैं बात। अब एक जो हमने बचपन से एक जो डेफिनेशन पढ़ा है, जो डेफिनेशन हमने रटा है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। बचपन में बच्चे अक्सर से, अभी तक आप बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि वर्ब जो होता है वो किसी काम या क्रिया को कहते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं, काम करने का ये मतलब नहीं कि हवाई जहाज चलाना या फिर पत्थर तोड़ना। अगर आप सोए हो, हंस रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप गा रहे हो या आप मुस्कुरा रहे हो, तो ये भी एक तरीके का काम ही हुआ। बहुत से लोग बहुत मेहनत से मुस्कुराते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था किसी चीज के होने। मैं हूँ, हूँ, मैं हूँ, तुम हो, ये जो होना है किसी का या आपका जो होना है, मेरे पास एक कलम है, ये जो है ये एक वह अवस्था है कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ रखता हूँ। तो ये जो अवस्था है किसी चीज़ के होने की, किसी चीज़ की मौजूदगी जो होती है, मौजूदगी या अवस्था, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब सिर्फ काम को ही वर्ब नहीं दिखलाता है, किसी चीज़ के होने के एहसास, मौजूदगी को भी, अवस्था को भी वर्ब दिखलाता है। और इसको दिखलाने के लिए वर्ब इस्तेमाल करता है इज़ एम आर का, हैज़ हैव का, बी बीन का, ठीक है? और एक्शन को दिखलाने के लिए इस्तेमाल होता है प्ले, रन, ईट, ठीक है? मैंने अभी तक, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैक्सिमम बच्चे, 99% बच्चे समझते हैं वर्ब, अगर उन्होंने पढ़ा भी है तो,
वर्ब जो होता है किसी एक्शन या क्रिया को काम को कहते हैं, जैसे कि हंसना रोना मतलब खाना खिलाना ये सब होता है। ठीक है, अगर मैं उनसे कभी कभी पूछ रहा हूँ अच्छा ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या लिखा है बाबू आपने ये तो बता दो, हाँ सर कुछ होता है सर पता नहीं, अच्छा एग्जांपल बता दो, तो कहते हैं सर ये तो सर ने लिखाया नहीं। तो आज इस पे ध्यान देंगे, बताइए इस अभी जो मैंने बताया स्टेट ऑफ बीइंग क्या आज से पहले कभी किसी ने समझाया इतने अच्छे से। तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है किसी के होना, किसी की मौजूदगी, किसी की अवस्था। मैं हूँ, तुम हो, होना भी वर्ब है। तो देखा ना आपने, वर्ब के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए ये एक्शन को दिखलाता है, तो इसको कहते हैं मेन वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग जो आता है इसके आधार इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए नमक भी होता है ना, एक खाने वाला नमक होता है, एक फेंकने वाला तो होता नहीं है, वो भी खाने ही वाला होता है, लेकिन काला नमक कहते हैं उसको, जो बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन इस्तेमाल होता है, उसके फ़ायदे बड़े हैं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है ये दो हिस्से में बंटता है। सबसे पहले एक हिस्सा कहलाता है हमारा मेन वर्ब, जिसको तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। मेन वर्ब होता है ईट, ड्रिंक, रन, जंप, उसके बाद फ्लाई। तो ये सारे जो वर्ब हैं ये सारे मेन वर्ब, एक्शन वर्ब भी कहलाते हैं, मेन वर्ब भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए मेन वर्ब। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। बहुत से लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर। जिन बच्चों ने टेंसेस पढ़ा है उनको पता होगा, सोच रहे होंगे अरे सर ये तो भी टेंसेस ने पढ़ाया था, सारे रूल्स में आ रहे थे, हैड, हैज, हैव। ठीक है, बी, बीन, डू, डज, डिड। तो ये सारे जो हमारे हुए ये हेल्पिंग वर्ब हो गए, इसको रहने देते हैं, इसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हुए, ये सारे हमारे मेन वर्ब हुए, और दोनों का ही बड़ा इस्तेमाल है। बिना अगर मैं ये कहूँ कि हाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। एक बार बताओ, मैं आपको बोलूँ सिर्फ काले सोडा नमक से, सॉरी काले नमक से सिर्फ खाना बनाना है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, खाना तो बन ही जाएगा, भले उतना टेस्टी ना हो लेकिन बनेगा ज़रूर। लेकिन उस बिना काले नमक का बोलूं खाना बनाओ तो नहीं बनेगा, फिर हमारा अच्छा बावर्ची हाथ खड़ा कर देगा, घर की लेडीज कहेंगे अरे पगल बिना नमक का कहीं खाना बनता है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब उस काले नमक की तरह है, जिसका इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। मेन वर्ब ये हो गया हमारा सफ़ेद वाला नमक, ये होता है और बहुत ही ज्यादा होता है, इसके बिना तो सेंटेंस होता भी नहीं है। तो एक चीज समझिए, अब इन दोनों को एक एक तीन एग्जांपल में देके दिखाता हूं आपको कैसे एक सेंटेंस में, अब देखिए एक सेंटेंस में बनाता हूं, आई गो। इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, सिर्फ मेन वर्ब से हमारा सेंटेंस बन गया। मैं बोल सकता हूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप। दूसरा देखिए, मैं अगर बोलूँ आई डू नॉट गो, अभी जो आई डू नॉट गो है इसमें आप देखिए मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी है, मतलब एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है और दोनों के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉज देयर, मैं वहां था, आई वॉज देयर। यहां देखिए तीसरा कैटेगरी, इसमें हमने काले नमक का इस्तेमाल किया, मतलब कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से मैंने सेंटेंस बना दिया है, सेंटेंस बना भी है और सही भी है। तो हमने क्या देखा कि मेन वर्ब की सिर्फ मेन वर्ब के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बना सकते हैं, और एक ही सेंटेंस में एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब आ सकता है, तो तीनों तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, बहुत अंदर हम नहीं जाएंगे अभी इस बेसिक लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में, एडवांस लेवल में मैं और डिटेल में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे आते हैं, उनको कॉम्पिटिशन की तैयारी और क्वेश्चन क्रैक करने होते हैं। लेकिन अभी जो बेसिक लेवल है, इन दोनों के टॉप पार्ट्स में और अंदर थोड़ा सा जाएंगे, एक स्टेप और अंदर जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे मेन वर्ब के दो टाइप्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स क्या होते हैं, दो तीन टाइप्स, वो क्यों होते हैं। इन सवालों के जवाब अब हम अभी आगे बढ़ के स्टूडेंट्स वर्ब के इस सेक्शन में, बेसिक लेवल के सेक्शन में कम से कम यहाँ तक आपका जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कम से कम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं पहुँचा जा सकता है। इससे ज़्यादा और डिटेल में हम लोग सीखेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को और डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में के मॉड्यूल में, अभी इतना ही। तो अब देखिए, देखते हैं क्या कि हमारा एक्शन या मेन वर्ब जो होता है, उससे पहले आसान वाला समझ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल वर्ब। इसको मोडाल, मोडाल बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, मोडाल नहीं होता है, मोडाल कुछ भी नहीं होता है, मोडाल बोलना बंद करें, ये होता है मॉडल, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब में हमारे आता है कैन, मे, शुड, वुड, कुड, ठीक है। तो इसमें इन सारे वर्ड्स का जो इस्तेमाल होता है, ये सारे के सारे जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी हैं तो वर्ब ही, इनके मदद से भी सेंटेंस बन सकते हैं। आई कैन गो, यू मे लीव नाउ, देखा ना हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, और इसको डिटेल में मैं अपने अपकमिंग वीडियो में पढ़ाऊंगा और मॉडल्स पे एक पूरा सेक्शन कराया, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मे, माइट, मस्ट और भी सारी चीज़ें आएंगी जो आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन उस फर्क को आप नहीं समझेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस में, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डू है, डू का ही फॉर्म है डज, डिड, डू, ये तीन फॉर्म बनते हैं, एक वर्ब वन हो जाता है, दूसरा डिड होता है तो वर्ब टू हो जाता है, और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा डू, डिड, डज, होता मेनली क्या है डू। अब बी से बनता है बी, बीन, और इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये बी से निकला हुआ है। हैव से बना है हैज, हैव, हैड, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, इन पे एग्जांपल मुझे देने की अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने टेंसेस के दौरान कराए हैं। अगर आपने टेंसेस की वीडियो को नहीं देखा, जल्दी जाएं और उसको ध्यान से पूरा देखें, ठीक है। तो देखा आपने हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा गया, ऑक्सिलरी में, मॉडल वर्ब में। ऑक्सिलरी को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टेंसेस में बार बार बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मिला जुला के अगर कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है तो मॉडल वर्ब्स को पढ़ाने की ज़रूरत है। मॉडल वर्ब्स को मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में अपकमिंग वीडियो में। अब बात कर लेते हैं अपने एक्शन या मेन वर्ब को। एक्शन और मेन वर्ब भी हमारा दो कैटेगरी में आता है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। मुझे सही पूछो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कैटेगरी बनाने की ज़रूरत थी, बट इन्होंने बनाया है। फ़र्क कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि हमारा जो ट्रांजिटिव है, इसका जो सेंटेंस है ये हमेशा अधूरा रहेगा अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस अधूरा है। तो राधा लव्स, भैया प्यार करेगी तो किसी से शादी कर, सॉरी प्यार करेगी ही। अगर मैं बोलूँ कोई किसी से प्यार करता है तो किससे करता है, किसी न किसी से प्यार करेगा। तो राधा लव्स राम, राधा लव्स राम, तो मैंने एक नाम दिया, जब ये ऑब्जेक्ट राम मैंने लिखा तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सही हो गया। लता सेंट, लता ने भेजा, भाई किसको भेजा, हवाई जहाज भेजा, मुझे भेजा, आपको भेजा, किसको भेजा, तो ये इनकम्प्लीट है। अब इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट दूंगा लता सेंट रहीम, लता सेंट रहीम, लता ने रहीम को भेजा। तो देखा ना आपने, बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है। पर इन ट्रांजिटिव में ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट का भी खुश है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस इस तरह से होंगे, शी कुक्स, वो खाना बनाती है, ठीक है, कम्प्लीट है सेंटेंस। माई फ्रेंड्स रन, मेरे फ्रेंड लोग दौड़ते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट का भी हमारा ये जो वर्ब है, मेन वर्ब है, ये खुश है। तो ये अगर बिना ऑब्जेक्ट का भी हमारा मेन वर्ब खुश है, ये हमारा मेन वर्ब खुश है, तो ये इंट्रांजिटिव में आ जाएगा। पर अगर हमारा मेन वर्ब ऐसा हो, लव्स हो, सेंट हो, ठीक है, तो इस टाइप का हुआ, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस पूरा नहीं होने वाला है, तो ऐसे मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इस पर और एग्जांपल्स कर लीजिएगा डिटेल में, अच्छे से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना कुछ बताया मैंने। और हर हेल्पिंग वर्ब पे मेन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ होते हैं, पर मेन वर्ब कम से कम इतने मेन हेल्पिंग वर्ब्स पे एक एक सेंटेंस ज़रूर बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अगली वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं WH फैमिली के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने WH फैमिली की बात नहीं करी है। WH क्वेश्चन वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके डिटेल में क्वेश्चन आप किसी से नहीं पूछ सकते, डिटेल वाला आंसर किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन आंसर आपको सिखाया है वो सिंपल सिखाया है, क्या मैं गया, क्या वो आया। तो अब हम सीखेंगे वो क्यों गया, वो क्यों आया, वो कहाँ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें WH फैमिली की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और सीखते हैं WH फैमिली को डिटेल में। सीखने के लिए थैंक